हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं ब्रेन के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो नर्वस सिस्टम का मतलब हुआ आपका तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र यानी जो तंत्रिका होता है, न्यूरॉन्स जो होता है ना, न्यूरॉन्स का एक सिस्टम बनता है कहाँ? ब्रेन में, ठीक है। तो उसको हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। नर्वस सिस्टम सिस्टम हमारा दो टाइप्स का होता है, एक पीएनएस और एक सीएनएस होता है। पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो हमारे सारे बॉडी के नर्व को कहाँ जोड़ता है? ब्रेन में जोड़ता है, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा माइंड से लेकर और पीछे रीढ़ की हड्डी तक, ये सब क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। और जो पीएनएस होता है, पीएनएस दो प्रकार का होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना, वॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री यानी जो हमारे कंट्रोल हो, हमसे जो कंट्रोल हो सके, ठीक है। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री का मतलब जो हमसे कंट्रोल ना हो सके, जैसे हार्ट बीट हो गया, किडनी हो गया, ये सब हम लोग से कंट्रोल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, दो प्रकार का होता है, एक सिंपथेटिक होता है और एक पैरासिंपथेटिक होता है। सिंपथेटिक जो होता है इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है, और जो पैरासिंपथेटिक हो जाता है नॉर्मल सिचुएशन में काम करता है, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे लोग, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे लोग, ठीक है। ब्रेन, तो ब्रेन क्या होता है पहले उसको हम ऊपर से पढ़ेंगे। ब्रेन जो होता है उसको पहले प्रोटेक्शन कौन देता है? तो प्रोटेक्शन पहले देता है मेरा क्या? बोन देता है, ठीक है, बोन। बोन उसके बाद बोन के नीचे क्या होता है? एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन होता है, मेनेंजिस मेम्ब्रेन, ठीक है, वो प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो देखिए पहले बोन को जान लेते हैं। बोन कौन होता है? क्रेनियम बोन होता है, ठीक है, क्रेनियम बोन होता है। कितना होता है? आठ होता है, आठ। कौन? एक फ्रंटल होता है और दो पेराइटल होता है, दो पेराइटल और एक पीछे की तरफ बोन होता है ऑसिपिटल, और दो बोन इधर होता है टेम्पोरल बोन और एक स्फेनोइड बोन होता है, ठीक है। तो आपका एक क्रेनियम बोन हो गया, ये प्रोटेक्शन देता है पहले बोन। अब बोन के कांटेक्ट में डायरेक्ट हमारा ब्रेन रहेगा तो क्या है, इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। तो इसके लिए एक अलग से मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, मेनिंजाइटिस मेम्ब्रेन होता है, मेनिंजाइटिस मेम्ब्रेन होता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्रेन उसके अंदर में रहता है, ठीक है। क्रेनियल मेनिंजाइटिस, तब मेनिंजाइटिस भी थ्री प्रकार का होता है। सबसे पहले जो लेयर होता है उसको बोलते हैं ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर, ठीक है। जो ड्यूरामेटर क्या होता है, कोलेजिनस फाइबर का बना होता है, कोलेजिनस फाइबर, फाइबरस होता है, ठीक है, रेशेदार होता है, बहुत टॉप होता है, ठीक है, बहुत टॉप होता है, और नॉन वास्कुलर होता है। वहाँ पे क्या होता है, ब्लड सप्लाई नहीं होता है। फर्स्ट जो ड्यूरामेटर लेयर होता है स्कल के नीचे, जो एक लेयर होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, नॉन वास्कुलर होता है, यानी ब्लड सप्लाई नहीं होता है, बहुत टॉप होता है, ठीक है। उसके नीचे भी एक लेयर होता है, कौन? एरेक्नोइड लेयर होता है, ठीक है, एरेक्नोइड लेयर। फिर उसके नीचे एक और लेयर होता है, क्या? पायामेटर, पायामेटर, जिसके नीचे से ब्रेन हमारा शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस दोनों ड्यूरामीटर और एरेक्नोइड दोनों के बीच में एक सब ड्यूरल स्पेस होता है, सब ड्यूरल स्पेस, जिसमें भी फ्लूइड रहता है। कौन फ्लूइड? इंटरस्टिशियल फ्लूइड बड़ा रहता है। और एरेक्नोइड और पायामीटर, एरेक्नोइड है और पायामीटर, दोनों स्पेस के बीच में एक सब एरेक्नोइड स्पेस होता है, जिसके अंदर क्या रहता है, सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है, जिसको कौन बनाता है, कौन सा सेल बनाता है, तो एपेंडाइमल सेल बनाता है, ठीक है, एपेंडाइमल सेल बनाता है। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन कितने प्रकार का होता है? तो ब्रेन देखिए, ब्रेन का पार्ट्स थ्री होता है, ठीक है, फोर ब्रेन, माइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, यानी फोर ब्रेन, ठीक है, और माइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का मतलब हो गया यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क जो होता है, जिसमें तीन प्रकार का होता है, सेरेब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब्स, ऑल्फैक्टरी लोब्स और डायनसेफलम, डायनसेफलम में क्या देता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और इपीथैलेमस, और माइंड ब्रेन में सेरेब्रल पेडंकल्स, ठीक है, और हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला, ठीक है। तो इस सब के बारे में अलग अलग पढ़ते हैं, इस सब का क्या काम है, ठीक है। जो फोर ब्रेन का पार्ट्स है, क्या?
सेरेब्रम इसका कार्य क्या है देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो ये वॉलनट लाइक रहता है। कैसे? वॉलनट क्या होता है? वॉलनट अखरोट होता है, अखरोट अखरोट के जैसा रहता है, ठीक है। इस लार्जेस्ट पार्ट है पूरे हमारा, जितने ब्रेन है ब्रेन के सबसे लंबा पार्ट क्या है? सेरिब्रम है, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट, इसमें टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है। टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर का मतलब आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। यानी दोनों तरफ से क्या होता है, जब हम लोग यहाँ फ्रंटल बोन होता है और एक पैराइटल बोन, दोनों के बीच में जब सर्जरी किया जाता है, यानी इसको ओपन किया जाता है, बोन को ओपन करके देखा जाता है, तो दो लोब में रहता है सेरिब्रम जो होता है, क्या दो लोब में रहता है, एक ऐसे इधर लोब रहता है, एक ऐसे इधर लोब रहता है, ठीक है। दो लोब रहता है, ठीक है, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। जितना भी दोनों लोब होता है ना, प्रत्येक मतलब प्रत्येक हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब अर्ध गोला, स्फीयर मतलब गोला, तो अर्ध गोला, एक इधर से गोला रहता है, एक इधर गोला रहता है, ठीक है। दोनों तो ऊपर से क्या रहता है, ऊपर से सेपरेट रहता है ऐसे, ठीक है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, ऐसे ऊपर से सेपरेट रहता है और नीचे से जुड़ा रहता है। तो ऊपर से किससे सेपरेट रहता है? सेपरेटेड सुपेरियर लॉन्गिट्यूडनल फीचर, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल फीचर से रहता है। और नीचे जो कनेक्ट रहता है, कनेक्ट रहता है किससे? एक बैंड ऑफ नर्व से कनेक्ट रहता है, जिसका नाम क्या है? कैरोस, कॉर्पस कैलोसम। क्या रहता है ना? कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम जो है ओनली मैमल्स में रहता है, क्या? ओनली मैमल्स में रहता है, ठीक है। तो ये जो हेमिस्फीयर है ना, प्रत्येक हेमिस्फीयर चार लोब्स में डिवाइड रहता है। प्रत्येक हेमिस्फीयर क्या रहता है? चार लोब्स में डिवाइड रहता है। एक पेराइटल लोब्स, फ्रंटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो पेराइटल लोब के अंदर क्या सोचने की क्षमता रहती है, क्या करने की क्षमता रहती है? टेम्पोरल लोब के अंदर क्या करने की क्षमता रहती है? पेराइटल लोब के अंदर और ओसिपिटल लोब के अंदर क्या करने की क्षमता रहती है, जान लेते हैं। पेराइटल जो फ्रंटल बोन जो होता है ना, फ्रंटल लोब के अंदर हमारा थिंकिंग, यानी जितने भी हम चीज सोचते हैं, सोचने की क्षमता रहती है, हाई सोचने की क्षमता, कि हम कितना अच्छा से बता सके, कितना अच्छा से पढ़ सके, कितना अच्छा से पढ़ा सके, ठीक है। ये सब सोचने की क्षमता रहती है, हाई सोचने की क्षमता। एंड स्पीकिंग, बोलने की भी क्षमता रहती है, किसमें? फ्रंटल लोब्स में, यानी सेरिब्रम के द्वारा हम सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, यानी मूवमेंट, यानी चलने फिरने का भी क्या रहती है? स्पीकिंग। या फ्रंटल लोब्स जो होता है ना, उसमें एक स्पीकिंग होता है, यानी जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकास एरिया। ब्रोंकास एरिया जो स्पीच का प्रोडक्शन करता है, स्पीच का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, ब्रोंकास एरिया, ठीक है। तो ये फ्रंटल लोब हो गया। एक पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब में देख लेते हैं, दोनों टेम्पोरल लोब इधर रहता है, एक इस साइड रहता है, ठीक है। टेम्पोरल लोब यानी हियरिंग, हियरिंग का मतलब हो गया सुनने की क्षमता होता है, ठीक है, सुनने का क्षमता होता है, हियरिंग, ठीक है। यानी वर्निकास एरिया रहता है कहाँ? टेम्पोरल लोब में वर्निकास एरिया रहता है, लर्निंग का रहता है, और फीलिंग हो गया, इमोशन वगैरह, किसी को सोच देख कर, किसी को देख कर हमको फीलिंग अच्छा आता है, इमोशन आता है, इमोशनल, ठीक है, तो यहाँ रहता है, और फीलिंग होता है, ठीक है, और मेमोराइजेशन होता है, मेमोराइजेशन होता है। और पेराइटल लोब जो होता है, पेराइटल लोब के अंदर क्या होता है? भाषा पहचानने की लैंग्वेज अपना जो होता है, और टचिंग, कोई हमको टच कर रहा है तो कहाँ होता है? पेराइटल लोब में हमको क्या पता चलता है कि हमको कोई टच कर रहा है, ठीक है, प्रेशर हो गया, सेंसरी रिसेप्शन हो गया। और ओसिपिटल लोब जो होता है, उसमें विजन और कलर 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 रिसेप्शन का होता है, विजन यानी देखने की क्षमता, और कलर प्रिसेप्शन यानी कलर, कौन सा कलर है देख रहे हैं तो कौन सा कलर है, ठीक है, कौन सा कलर का मार्कर है, ये सब हमको पहचानने की क्षमता रहती है, ठीक है। तो आइए आगे देख लेते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब के अंदर क्या रहता है? सेंस ऑफ स्मेल, यानी सेंस ऑफ स्मेल का सेंस रहता है, ठीक है, स्मेल पहचानने की, जैसे खाना कैसा है, तीखा मीठा, ये सब वगैरह, अच्छा सुगंध पहचानने की इसमें क्षमता रहती है ऑल्फैक्टरी लोब में, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में रहती है? मोर डेवलप इन फीमेल, सबसे ज़्यादा फीमेल में डेवलप रहती है सेंसेशन
ठीक है, सबसे ज़्यादा फीमेल में, और डॉग्स और शार्क, शार्क एक मछली है ठीक है, इस समय रहती है। और इसके आगे हम पढ़ेंगे डायनसेफलॉन के बारे में, ठीक है। डायनसेफलॉन फॉरब्रेन का दूसरा थर्ड पार्ट है, ठीक है। इसमें आता है हाइपोथैलेमस, थैलेमस और इपीथैलेमस। थैलेमस बीच में रहता है, और हाइपो का मतलब नीचे, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस और थैलेमस के ऊपर इपीथैलेमस रहता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस का फंक्शन होता है सेक्सुअल डिजायर, यानी सेक्स करने की इच्छा, ठीक है। इस पर निर्भर करता है, किस पे? हाइपोथैलेमस। यहाँ से क्या होता है, हार्मोन भी सिक्रीट होता है जिसके अनुसार हमको फीलिंग आता है, ठीक है, सेक्सुअल डिजायर। थर्मोरेगुलेशन, यानी थर्मोरेगुलेशन का मतलब हो गया क्या, ठंडा गर्मी को हमारे बॉडी को कौन मेंटेन करता है, ठंडा गर्मी से हाइपोथैलेमस, ठीक है। अगर अगर ज़्यादा गर्मी हो, ठीक है, तो स्वीटिंग सेंटर यानी पसीना, पसीना निकालने की क्षमता क्या रहता है, हाइपोथैलेमस। और ठंडा भी ज़्यादा हो यानी गर्मी लाने की क्षमता, सीवरिंग सेंटर कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में होता है। थर्स्ट सेंटर यानी जब प्यास लगे, भूख लगे, और प्यास लगे, भूख लगे, प्यास लगना, भूख लगना, थर्स्ट सेंटर, हंगर सेंटर, और सेटाइटी सेंटर यानी भूख का मारे पेट चढ़ जाना, ठीक है। सब सेंटर यहीं से पता लगता है, कहाँ से, हाइपोथैलेमस। थैलेमस से क्या पता लगता है, स्टेशन रहता है, यहाँ से बहुत सारा मैसेज आता है, कहाँ से, हमारे बॉडी से, और ब्रेन में पहुँचाया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। और इपीथैलेमस सीक्रेट करता है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो आइए अब माइंड ब्रेन के बारे में जान लेते हैं। माइंड ब्रेन जो होता है सराउंडेड रहता है किससे, फॉर ब्रेन से, जो फॉर ब्रेन होता है उससे घिरा हुआ रहता है, कोरोरा सेरिब्रियाई, ठीक है, और कॉर्पोरा क्वांड्री जेमिना, कॉर्पोरा क्वांड्री जेमिना का मतलब आप समझ सकते हैं, सुपेरियर कोलिकुलस और इन्फेरियर कोलिकुलस दो गो रहता है। और सुपेरियर कोलिकुलस जो रहता है विजुअल रिफ्लेक्स रहता है, यानी आई एंड हेड एक बार काम करता है, मान लेते हैं कोई बात कर रहा है, ठीक है, हमको उसको ध्यान से सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, विजुअल रिफ्लेक्स बोलते हैं। और एडेटरी और इन्फेरियर कोलिकुलस में जो दूर रहता है उसका क्या काम रहता है, ऑडिटरी रिफ्लेक्स, यानी हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट होता है, पॉन्स वेरुलाई मेडुला और सेरिबेलम, ठीक है। तो पॉन्स वेरुलाई का फंक्शन क्या होता है, रिले सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू सेरिबेलम, सेरिबेलम से क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। रेगुलेटेंट ऑफ ब्रीथिंग और इन्वॉल्व इन कंट्रोल ऑफ स्लीप साइकिल, स्लीप जो हमको सोने जागने का भी साइकिल जो होता है कौन करता है, पॉन्स वेरुलाई करता है, ठीक है। आइए मेडुला ओब्लंगाटा जो है, मेडुला ओब्लंगाटा कंट्रोल मोस्ट द ऑफ द इनवॉलेंट्री प्रोसेस, जितना भी इनवॉलेंट्री प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल करता है, जैसे कार्डियक साइकिल, ब्रीदिंग सेंटर, सलाइवेशन सेंटर और भूमिट सेंटर और भेसो मोटर सेंटर, ठीक है। भेसो मोटर सेंटर का मतलब हो गया आपका भेसल्स का मूवमेंट, जो भेसल्स का भी मूवमेंट होता है हमारे बॉडी में कौन करता है, तो हमारा मेडुला ओब्लंगाटा करता है, ठीक है। तो आइए अब सेरिबेलम के बारे में जान लेते हैं। जो सेरिबेलम होता है, जो टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में ये भी क्या होता है, बटा होता है, जो कनेक्टेड बाई वर्मिस से कनेक्ट रहता है। ये क्या है, ये मेरा वर्मिस हो गया, ये है वर्मिस, ठीक है, वर्मिस। इसका फंक्शन हो गया बैलेंसिंग, हमारे बॉडी को क्या करता है, सेरिबेलम बैलेंस करता है।